गौरक्षा के नाम पर। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, घटनाएं रोकने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश। कश्मीर में आतंकवादियों को आर्थिक मदद के मामले में NIA की दिल्ली समेत 16 स्थानों पर छापेमारी। कच्छ में हरामी नाला इलाके से BSF के गश्ती दल ने 3 नौकाओं के साथ 2 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की विभिन्न जेलों में बंद म्यांमार के 40 कैदियों की जल्द रिहाई होगी। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन होती है 413 लोगों की मौत। मुंबई की 13 वर्षीय नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति, पिता के सहकर्मी ने किया था दुष्कर्म। डेरा सच्चा सौदा के सूफी गायक हंसराज का खुलासा, राम रहीम अपने पैतृक गांव गुरुसर के अस्पताल में साधुओं को नपुंसक बनाता था। गौरी लंकेश हत्याकांड में कर्नाटक सरकार ने दिए SIT जांच के निर्देश। पहले ही दिन लखनऊ मेट्रो में खराबी, परेशान हुए यात्री। गौरी लंकेश हत्याकांड में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा भाजपा और संघ के खिलाफ बोलने पर मार दिया जाता है। पंजाब के फरीदकोट में पेट्रोल पंप को आग लगाने के मामले में 8 डेरा समर्थक गिरफ्तार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं।